पांचवीं बार एंटी टैंक मिसाइल से अटैक कर दिया है। देखिए, गाजा पर चल रही इजराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ मुड़ चुका है। अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रशिया तक इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप समझिए कि हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है। अक्टूबर 2023, हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर करता है। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया। तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहां बने हैं इजराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे, अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। अब यहां क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। यहां लेबनान के इलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला ने 3 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये हैं कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जा रही है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने ये हमला लेबनान में इजराइल के हमले के जवाब में किया।